वाला फ्लो, जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो आज जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पढ़ाई के वीडियो को लेकर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हूँगा, उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे कुछ लोग कहना है कि हमारा कोर्स छूट रहा है, हमारी पढ़ाई छूट रही है, तो मेरा आपसे सवाल है कि अभी स्कूल तो खुले नहीं हैं, तो जब स्कूल नहीं खुले हैं तो आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट भी कहाँ हुई जो आपकी पढ़ाई छूट रही है? तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैनिक होंगे तो आपका मेंटल डिप्रेशन आपके ऊपर ज़्यादा हावी होगा। तब भी जितना भी टाइम चल रहा है, क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लास की परमिशन नहीं मिली हुई है और कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही हैं, इसलिए अभी क्लासरूम में बैठा कर मैं आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो एक छोटा सा माध्यम ऑनलाइन है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई से मैं पूर्णतः सेटिस्फाई खुद नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाई को रनिंग वे में मैं लेकर चलूँगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट की, उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल NTSSP SPN को सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को सब्सक्राइब करवाएं जो लोग पढ़ने के इच्छुक हों। एक हफ्ते तक हमारे डेमो क्लासेस चलेंगे, उसके बाद जो लोग पढ़ने के लिए एग्री होंगे उनको एक लिंक भेजा जाएगा और उनको एक ग्रुप में जोड़कर और हमारा NTSSP ऑनलाइन क्लासेस के नाम से एक नया चैनल लॉन्च होने वाला, जिसमें मैं आप लोगों को ऐड करूंगा। तो हमारा हमारे वीडियो में कुछ खास बातें ध्यान रखिएगा। एक तो आपको नोट्स बनाने हैं, और अगर इन केस आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो आप हमसे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, मैं आपको प्रिंट आउट भी प्रोवाइड करा दूंगा। और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके न्यूमेरिकल हैं, डेरिवेशन है, वो तो सारी चीज़ें यहाँ पर बोर्ड पर क्लियर हो जाएंगी, बट थ्योरी के लिए जो है वो आपको या तो PDF हमारी डाउनलोड करनी पड़ेगी या आपको प्रिंट आउट वाले नोट्स लेने पड़ेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो NCERT पैटर्न के अकॉर्डिंग फिजिक्स की दो किताबें हैं, भाग एक और भाग दो। मैं किताब आपको दिखा दूं, ये भाग एक किताब है NCERT की, फिजिक्स भाग एक इंटरमीडिएट की। इसके अंतर्गत आपको दो यूनिटें मिलेंगी, एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेट। ये शब्द बोले जाते थे पुराने कोर्सेज में, NCERT पैटर्न में इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हमारी स्टडी में क्या रोल है, पहले मैं इस किताब के बारे में बता दूं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप बहुत आराम से अपने एग्जाम के अंदर पास हो सकते हैं, बहुत आराम से आप पास हो सकते हैं। अभी मैंने पास होने की बात कही है, क्योंकि पढ़ाई के मेरे नज़रिए में तीन स्टेप हैं। पहले आप पास होइए, फिर फर्स्ट क्लास पास होइए, फिर मंडल को टॉप करिए और फिर UP को जीतिए। स्टेप टू स्टेप चलेंगे, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो इस किताब में से कितना इस साल के पेपर में आया है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये NCERT का पैटर्न पर पेपर है जो कि 70 नंबर का आता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है और 70 नंबर का एग्जाम है, जिसमें दो किताबें आपको पढ़नी है, भाग एक और भाग दो। तो मैं आज जानकारी केवल भाग एक की आपको दूंगा। इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आती है उसको बांटा गया है तीन चैप्टर में। पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरे चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, तीसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा। इन तीनों को मिलाकर हमारी बनती इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद जो इसी किताब में दूसरी यूनिट हमारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके अंतर्गत हमारे चार चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, दूसरे का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, अगले का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अगले का नाम है प्रत्यावर्ती धारा, और आठवें चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इलेक्ट्रिक के अंतर्गत हमको ये तीन यूनिटें पढ़ाई जाती है, तीन चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, और मैग्नेट के अंतर्गत हमको 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक मैग्नेट के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी इस साल हमारे एग्जाम में कितनी आई, इलेक्ट्रिसिटी हमारी टोटल आई है 22 नंबर की, और मैग्नेट भी हमारी आई है 22 नंबर की। तो 22, 22, 44 मार्क्स हमारे इस एक बुक से आ गए। इसमें ऑप्शन भी होते हैं, चॉइस भी होती है, क्योंकि आपको पता ही है फिजिक्स में चॉइसेस होती हैं। तो 22, 22 यानी 44 नंबर, 70 नंबर में से 24 नंबर वाला पास होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली किताब हमारे लिए बहुत अहम है। इस किताब में न्यूमेरिकल पोर्शन भी ज्यादा है, थ्योरी भी ज्यादा है, डेरिवेशंस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दूसरी बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा
कि जो एनसीईआरटी पैटर्न है आप इतनी पतली सी किताब पर बहुत ज्यादा ज्ञान हासिल नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए हमको एक साइड बुक भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके एक चैप्टर में 10 सवाल 12 सवाल 15 सवाल वो तो मैं लगवा ही दूंगा, लेकिन अगर आप साइड बुक नहीं लोगे तो आपके न्यूमेरिकल कम से कम ही लग पाएंगे। साइड बुक लेने से फायदा आपको क्या होगा कि पहले चैप्टर में 40 सवाल 50 सवाल या 80 सवाल 90 सवाल मैं आपको सारे सवाल लगवा दूंगा, सारे सवाल इस बोर्ड पे लग जाएंगे, आप धीरे धीरे उतारते रहें आराम से, वीडियो जो आपके पास पहुंचे उसे देख देख कर, किसी प्रकार की कोई समस्या हो वो अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन तीन चैप्टरों को हम पांच चैप्टरों में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो देखिए आप सिलेबस नोट करते रहिएगा, इन तीन चैप्टरों को हम पांच चैप्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र एवं विभव, ये मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। अब एनसीईआरटी से हम अपने चैप्टर बनाने जा रहे हैं। दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस की प्रमेय, तीसरा चैप्टर हमारा बनेगा वैद्युत धारिता संधारित्र एवं धारिता, चौथा चैप्टर हमारा बनेगा वैद्युत चालन, ये आपको साइड बुक में इस क्रम में चैप्टर मिलेंगे वैद्युत चालन, पांचवा चैप्टर आएगा सरल परिपथ, ये पांच चैप्टर यानी एनसीईआरटी की जो तीन चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता और वैद्युत धारा, इन तीन चैप्टरों को मैं कन्वर्ट करूंगा पांच चैप्टर में। ये हमारे यूपी बोर्ड में आते हैं 22 मार्क्स के विद न्यूमेरिकल, तो इनकी स्टडी सबसे पहले हम आपको कराएंगे। इसके बाद रसायन विज्ञान का सिलेबस, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, इस बार की आपकी केमिस्ट्री तीन वर्गों में डिवाइड है, पहला आपकी जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और तीसरी जो है वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसमें भी आपकी एनसीईआरटी ने दो किताबें आपको दी हैं, भाग एक और भाग दो, मैं आपको किताब दिखाना चाहूंगा, ये रसायन विज्ञान की भाग एक की किताब है एनसीईआरटी की। इस पहली किताब में आपको जो जो सिलेबस पढ़ना है उसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए और कितने नंबर का क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। केमिस्ट्री के बारे में जरूरी बात आप लोग जान लीजिए, वो जरूरी बात ये है कि केमिस्ट्री में सवालों में चॉइस नहीं होती है, एक या दो सवालों में अथवा लगा होता है, बाकी आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। फिजिक्स में तो बहुत च्वाइस है कि लगभग हर बड़े क्वेश्चन में आपको एक च्वाइस मिलेगी, दो के बीच में आपको एक सवाल करना है, इसीलिए फिजिक्स तब भी ईजी है, केमिस्ट्री के अंदर च्वाइस ना होने की वजह से पेपर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो पहली किताब का सिलेबस आप लोग नोट कर लें। तो फिजिकल केमिस्ट्री में पहली किताब में कौन कौन से चैप्टर दिए गए, फिजिकल आप जानते होंगे, भौतिक रसायन इसको बोलते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन कराया जाता है, कहलाती क्या है भौतिक रसायन। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, दूसरा चैप्टर आपका आएगा सॉल्यूशन यानी विलयन, तीसरा आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी क्या वैद्युत रसायन, और चौथा चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी, और पांचवा चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। ये पांच चैप्टर मिलाकर आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन बनाते हैं, और इनका योगदान एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से इस साल के पेपर में 22 नंबर के क्वेश्चन आए हैं, आप पेपर को उठाकर देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने इसमें ऐड किया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें बिना कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाती है अकार्बनिक रसायन, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें ब्लॉक्स आते हैं जिसमें से एस ब्लॉक आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, पी ब्लॉक से स्टार्टिंग में होती है और पी ब्लॉक में भी आप थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, तो पी ब्लॉक के अंतर्गत आता है आपका इसमें अब पढ़ाया जाएगा 5th ग्रुप 6th ग्रुप 7th ग्रुप एंड जीरो ग्रुप,
ये पी ब्लॉक में आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा तत्वों का निष्कर्षण यानी मेटलर्जी धातु कर्म आपको पढ़ाया जाएगा। डी ब्लॉक के अंतर्गत आपको पढ़ाया जाएगा और एफ ब्लॉक के अंतर्गत, डी ब्लॉक में सीरीज कोई भी नहीं है कि इसमें 3D सीरीज पढ़ाई जाए, पूरा केवल डी ब्लॉक ही पढ़ाया जाएगा, बट इसमें दो कंपाउंड आपको पढ़ाए जाएंगे। उसी तरीके से एफ ब्लॉक में कोई कंपाउंड नहीं पढ़ाया जाएगा, एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है लास्ट का, इस किताब का आखिरी चैप्टर, इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है और इसे कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं। एक बार सभी लोग सिलेबस प्रिप नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी की पहली किताब में आपको टोटल 9 लेसन पढ़ने हैं, जिसमें से फिजिकल केमिस्ट्री 22 नंबर की आती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 18 से 20 नंबर की आती है। फिजिकल केमिस्ट्री में ठोस अवस्था, विलयन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, ये 5 चैप्टर हमको फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ने हैं। और इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक में आपको 5वां ग्रुप पढ़ना है, 6ठा ग्रुप पढ़ना है, 7वां ग्रुप पढ़ना है और 0 ग्रुप पढ़ना है, डी और एफ ब्लॉक पढ़ना है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ना है। इस साल न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको राहत दी गई है, न्यूमेरिकल आपको सॉलिड स्टेट के लगाने हैं, सॉल्यूशन के लगाने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लगाने हैं और केमिकल काइनेटिक्स के लगाने हैं। मात्र इन 4 चैप्टरों में न्यूमेरिकल है जो 10 से 12 नंबर के आराम से आ जाते हैं। मैं आपको एक एक सवाल लगा कर दूंगा, आराम से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये था हमारी दोनों किताबों का सिलेबस, पहली किताब हम आपको कंप्लीट करा के देंगे। पढ़ाई का तरीका क्या होगा वो समझ लीजिए, जैसा कि मैंने बहुत लोगों के ऑनलाइन क्लासेस देखे हैं, सबका विधिवत मैंने भी अध्ययन किया है। मेरी पढ़ाई में थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जो भी वीडियो आपको दूं उसका प्रॉपर वे में आप पूरी तरीके से स्टडी करें, अपनी कॉपी पर उतारें। अगर ना उतार सकते हो तो PDF डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट लें, वो भी ना कर सकते हो तो हम लोगों से प्रिंट आउट लें। एक हफ्ते तक इस तरीके से आपको वीडियो मिलेंगे, एक हफ्ते के बाद हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, जो लोग पढ़ने के लिए इच्छुक होंगे उनको उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा और एक प्रॉपर टाइमिंग पर डे आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे। बहुत कोशिश की कि हम लाइव क्लास भी आपको पढ़ाएं, बट थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से, क्योंकि लाइव क्लास के लिए हम यहाँ से लाइव पढ़ा सकते हैं, अगर आपके पास उतनी सहूलियत नहीं हुई तो उस क्लास का मजा नहीं आएगा, उस क्लास को आप अच्छी तरीके से उस क्लास की स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी मैंने वीडियो के लिए ही सोचा है, इसमें आपके डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स वगैरह क्लियर होते चले जाएंगे। कल से आपको चैप्टर वाइज टॉपिक मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में मैं शुरू करूंगा और केमिस्ट्री में मैं सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, वो हमारा चैप्टर होगा सॉल्यूशन। मैं जो भी इंडेक्स बनाता हूं वो अपने अकॉर्डिंग बनाता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब कराइए, हमारे साथ जुड़िए। कल से आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक यू।